देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। विश्व हिंदी दिवस और इंदौर में शासन प्रशासन द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अंतर्गत शुभ संकल्प समूह द्वारा दीप ज्योत और मेरे एहसास पुस्तक के विमोचन का कार्यक्रम प्रवासी भारतीय साहित्यकार नेपाल काठमांडू से पधारे सच्चिदानंद मिश्र और सिंगापुर से पधारे कवि प्रद्युम्न इंगले के आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। इस पुस्तक का निर्देशन स्वर्गीय संकल्प श्रीवास्तव द्वारा शुभ संकल्प आर्ट पब्लिकेशन द्वारा किया गया था। अतिथियों का स्वागत डॉ सुनीता श्रीवास्तव, उपेन्द्र श्रीवास्तव, चिन्मय श्रीवास्तव, आर्यन श्रीवास्तव, नीति अग्निहोत्री, शोभा दुबे द्वारा शॉल प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साहित्यकार प्रबंध निदेशक पत्रिका हिमालयनी के सच्चिदानंद मिश्रा नेपाल, कवि प्रद्युम्न इंगले सिंगापुर, उपेन्द्र नाथ श्रीवास्तव एवं नगर के गणमान्य साहित्यकार रचनाकारों ने विचारों का वाचन किया। इस अवसर पर शुभ संकल्प की पुस्तक दीप ज्योति और मेरे एहसास पुस्तक के उपस्थित रचनाकारों नीति अग्निहोत्री, डॉ वंदना दुबे, महिमा शुक्ला, राधिका इंगले, नवनीत जैन, विभा जैन, निरुपमा त्रिवेदी, तोषनीवाल, निशी मंजवानी, शोभा दुबे, इंदु जैन, सुरेखा भारती, मनोरमा जोशी, शीला आलोक रंजन, डॉ सुनीता श्रीवास्तव ने शुभ संकल्प समूह द्वारा सम्मान पत्र और भेंट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेखा भारती ने किया। आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा चिन्मय श्रीवास्तव द्वारा लिखित नियमावली का वाचन दिनेश ने किया। कार्यक्रम के अंत में शुभ संकल्प पब्लिकेशन के डायरेक्टर स्वर्गीय संकल्प श्रीवास्तव को शुभ संकल्प संस्था सदस्यों एवं नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन सुरेखा भारती ने किया। इस अवसर पर सच्चिदानंद मिश्र ने नेपाल से प्रकाशित पत्रिका हिमालयनी की प्रतियां सभी को भेंट की। समापन पर आभार प्रदर्शन मणिमाला शर्मा द्वारा किया गया।